आजकल लोग सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में क्या डाइट रखें, कौन से डाइट को फॉलो करें जिससे हम स्वस्थ रहें। तो क्या सब्जी, क्या दाल, कई सारी चीज़ें कंफ्यूजन रहता है कि क्या कुछ हमारा आहार हो जिसकी वजह से हमारा जो डेली रूटीन है वो सही रहे। तो क्या कुछ हम शामिल कर सकते हैं अपने खाने में? देखो, सुबह दबा के खाओ, दोपहर को पूरा चबा के खाओ, रात को खाली कर दो पेट, रात को मत खाओ। लोग रात को ठूस लेते हैं पूरा, दिन में खाते नहीं है, तो सुबह उठ के उठा नहीं जाता, थक जाते हैं, बीमार होते हैं, बीमारियां घर करती हैं। क्योंकि भाई साहब, सुबह उठ के आप सबसे पहले कोई ना कोई चीज़ ऐसी डालो पेट में जो आपके लीवर को साफ करे। अब खीरा है, गाजर है, टमाटर है, मूली है, शलगम है, और ऐसी चुकंदर है, उसके अंदर ये सारा सैलड काट लो, उसके अंदर गोभी के पत्ते डाल लो, और बहुत सारी पत्तेदार सब्जी आती है, मूली के पत्ते डाल लो, उसको कुतरा सा कर लो, करके उसको चबा चबा के ऐसे खाओ। उसको मैं बोलता हूँ पशु आहार की तरह खाओ जी। एक पशु के समान खाओ, आप पशु के समान बलवान बनोगे। तो उसको खाओगे, चबा चबा के खाओ, कुछ मुंह में चला गया, कुछ बाहर गिर गया, खाते जाओ पागलों की तरह। एक कम से कम 400-500 ग्राम मटेरियल खा जाओ सुबह सुबह, वो आपके अंदर जाके हार्ट, ब्रेन और लीवर को ताकत देगा। और लीवर को तो वो ऐसे साफ कर देता है, वॉश कर देता है अंदर, जैसे हम डिटर्जेंट से किसी कपड़े को वॉश करते हैं, उसके बाद कपड़ा चमक के निखर जाता है। ऐसे आप महसूस करोगे 10-15 दिन में कि आपका लीवर जो है वो बिल्कुल डिटॉक्स हो चुका है, और आपके मुंह से निकले ना निकले और कुछ थैंक यू सुभाष गोयल जरूर निकलेगा जी।